आज एक खुशी का मौका है, आज फिर दोबारा टर्टल्स ने, टर्टल जो है अंडे से बाहर आ चुका, जैसे आपने देखा था टर्टल्स को जो हमने मटकी में रखा था, तो मैं आज ऐसा ही, फ्राइडे था, फ्राइडे प्रेयर सब खत्म करके फिर आया घर पे, खाना खाया, खाना खा के मैं ऐसा ही सिंपल चेक करने के लिए ओपन किया कि मटकी में क्या हुआ है, देखते हैं, बहुत दिन हो गया, तो मैं ओपन करके देखा तो उसमें अंडे में से बाहर बेबीस निकल रहा है। तो बहुत खुशी की चीज़ है यार, कितने चीज़ें इस महीने में हमको खुशी की चीज़ें देखने मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लाइव देख सको। तो देख सकते हैं यहाँ पर अंडे हैं, देखो निकला ना एक इसमें, टोटली इसमें हमने रखे थे 12-13 अंडे, लेकिन उसमें पूरे खराब हो चुके हैं, किसी कारण से खराब हो के अभी एक टर्टल से जो है बच्चा बाहर निकल रहा है, तो मैं इसको बाहर निकल लेता हूँ। तो देखिए अभी ये बाहर निकल रहा है, अभी देखिए लाइव है, अभी हाथ पैर मार रहा है, अभी आंख खुली, देखिए इसकी, अभी दो अंडे, तीन अंडे हैं जिसमें अभी बेबीस निकलना बाकी, देखिए इसमें भी बेबीस निकलने वाला है। देखिए यहाँ पर ये स्क्रैच हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर इसका दब रहा है, मतलब इसमें भी अंडे से बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या निकलने वाला। देखिए यहाँ पर कॉर्नर जो है इसका कट रहा है, मतलब ये बेबीस निकलने वाला है, और वहाँ पर भी मेरे हिसाब से इसमें तीन या चार ही निकल पाएंगे, बाकी पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो ये देखिए न्यू बॉर्न बेबीस अभी अंडे से बाहर निकल रहा है, अभी हम इसको फोर्स नहीं करेंगे, ऐसा ही रखेंगे, और यही वही टब है जो हम हर बार इसको इस्तेमाल करते हैं जो ये बेबीस निकलने वाला होता है, ये वाला, ये जो टब है 4 साल पहले हमने इसके पेरेंट्स को इसी में रखा था, वही टब है ये, इसमें 4 साल पहले हमने इसको बेबीस में रख के इंट्रोड्यूस किया था, 2 बार कोलकाता से जब मंगवाया था, वही बेबीस का टब है ये, लास्ट टाइम भी हम जब बेबीस आए थे इसी में रखा था, ये भी इसी में रखे हैं। तो यहाँ पर देखो बेबी टर्टल अंडे से बाहर आ रहा है, देख सकते यहाँ पर, देखो 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 न्यू बॉर्न बेबीस। देखिए निकलना अब मट्टी देखो वो कैसा दिख रहा, देखो वो देखो देखो एक पोंख ने एक पोंख लट्टी चला फो एक पोंख लट्टी चला
काफी नरम है। देखिए अभी ये निकल चुका है, तकरीबन 8 घंटे तो हमने छोड़ दिया था, 8 घंटे के बाद ये निकला हुआ है। 8 घंटे के बाद इसकी हालत ऐसी है, ये येलो बेली लग रहा है, येलो बेली ही है। अभी इसका थोड़ा शेल थोड़ा ठीक होना बाकी, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत योग जैसा आया है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में ये क्यूर हो जाएगा। जो हमने ऊपर टर्टल देखे थे शायद मेरे हिसाब से वो होल के अंदर ही ऑलरेडी निकल के 1-2 दिन थे, उसके बाद बाहर आए वो, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रगल करते हैं ये अंडे से बाहर आने के लिए, 8 से 10 घंटे टाइम लगता है। 8 घंटे टाइम लगा दिया था ये बाहर आने के लिए, उसके बाद ही ये बाहर आ पाया था। 8 घंटे के बाद बाहर आया है इसके, देख सकते हैं अभी ये, अभी इसको हम पानी में नहीं डालेंगे, अभी 1.5 घंटा ऐसा ही रखेंगे। और ये मेल है, देखिए इसकी टेल काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, सब कुछ देखिए पूरा सब कुछ ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है ऊपर जो टर्टल के बच्चे निकले थे, मेरे हिसाब से वो जो होल के अंदर ही वो एक गवी जैसा कुछ बना लिए थे, जैसा चूंटी वगैरह बनाते हैं, तो उस तरह कुछ गैप था और वो 1-2 दिन हैच होने के बाद बाहर आए थे एक्टिव होके, क्योंकि जब फर्स्ट बार अंडे से बाहर निकलता है बच्चा तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी स्मूथ है इसका स्किन सब। अभी हम इसको थोड़ा बहुत पानी डालते हैं कि सोच रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत पानी डालता हूँ मैं ताकि, क्योंकि जब पैदा होते हैं ना, पैदा होने के तुरंत ये पानी में चले जाते हैं, तो इसलिए हम उसके हिसाब से पानी डाल देते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते होंगे पानी क्यों डाल रहे हो, नहीं डालना है। आपने समंदर में देखा होगा जैसे ही पानी से बच्चे निकलते हैं तो सीधा समंदर में जाके तैरना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ, उसके बाद इसको यू वी लाइट देता हूँ। तो थैंकफुली फाइनली हमने हैच कर लिया टर्टल्स को सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम ऊपर जब ने आप देखा था ऊपर, वहाँ पर नेचुरली वे से हैच हो गए। अभी जो है हम मटके के प्रोसेस से भी हैच कर लिए। ये मटके का प्रोसेस का जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मिस्टर मैनथॉइड को, यहाँ पर स्क्रीन पे एक इंस्टाग्राम हैंडलर है। जब मैं स्टार्टिंग 2 बार मैंने फेल हो गया था स्टार्टिंग अंडे हैच करने में, तो मैंने नेचुरली वे से छोड़ दिया कि जैसा होता है नेचुरली हो जाने दो। तो एक बंदे ने मुझे कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम में, कहा कि भाई मैं भी टर्टल अपने ब्रीड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो आ रहे हैं, मैंने भी इस तरह अपने टर्टल्स को ब्रीड कर चुका है मटकी में रख के, काफ़ी मैंने उसके ऊपर वर्क करके मैंने एक सक्सेसफुल किया, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग उसको इग्नोर कर दिया, 15-20 दिन छोड़ दिया कि नहीं करना है। तो थोड़े दिन बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसको ट्राई करें, हो भी सकता है ऐसे भी अंडे बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने एक बार जो बैच अंडे ले की थी टर्टल को, उसको निकाल के मिस्टर मैनथॉइड के जो जैसे बताया था उन्होंने, एक मटका नया खरीद के उसको रख के एक मटकी में, और वहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के रख के वहाँ पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हैच हो जाएंगे। मैंने 110 डेज वेट किया, 110 मतलब 110 दिन वेट करने के बाद वो अंडे हैच हो गए। तो ये पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूँगा। थैंक यू मिस्टर माइंडर, मुझे आपका पूरा नाम पता नहीं है लेकिन आपने हेल्प किया, बहुत बहुत थैंक्स। आप भी चाहते इस तरह के आइडिया को फॉलो करके आप अपने अंडों को हैच करवा सकते हैं विदाउट लाइट। लाइट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक मटकी में रखना है, मिट्टी डाल के डेली स्प्रे करते रहना है, छोड़ देना है 100 डेज। बस पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना अर्जेंट होने का काम नहीं है। बहुत सारे लोग अर्जेंट करते हैं, ये अर्जेंट का काम नहीं है। कभी कभी 110 दिन हो जाते हैं, हमने 110 दिन वहाँ पर रख के छोड़ा था तब जाकर हुए। बहुत बहुत पेशेंस इंपॉर्टेंट है इस हॉबी में, तभी जाकर रिजल्ट होता है। अर्जेंट करो तो कुछ नहीं हासिल होगा, वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये सक्सेस हो पाएंगे। तो थैंकफुली सब कुछ हुआ, थैंक्स टू ऑल एंड हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारा सपोर्ट किया। बहुत कोशिशों के बाद हमने ये हासिल किया रिजल्ट, विथ एक्स भी देख लिया। बहुत बहुत थैंक्स आप सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि पहली बार हम अपने यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। 1000 में 1 ही लोग कह सकते हैं दिखा पाते हैं। ब्रीडर लोग का अलग बात है, उनको पैसा कमाने का इंटेंशन होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एज ए हॉबीस्ट ब्रीड करके दिखाना ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। बेबी टर्टल है, येलो बेली है, ये भी कन्फर्म येलो बेली है, क्योंकि धीरे 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 इसका कलर येलो हो रहा है। जैसा हम लोग स्टार्टिंग देखे थे उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये थोड़ा अलग रखा था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये येलोइश बनता जा रहा है नेचुरली। देखिए कैसा हो रहा है अभी, ये यहाँ पर देखिए मटकी है, मटकी में जैसा हमने रखा था, इसमें पानी देखिए, पानी की वजह से बहुत सारे अंडे ज़्यादा पानी हो गया है, या पता नहीं जो भी है ख़राब हो गए नेचुरली है। अभी हम लोग हर चीज़ जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। अभी ये एक अंडा है, हो सकता है जो यहाँ पर है ये हैच हो जाए, इसमें बेबी आ सकता है।
और ये वाला भी मुझे लग रहा है कि इसमें बेबीज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्नर जो है थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि मुड़ा हुआ है, अंदर कुछ कर्व जैसा लग रहा है, तो वो भी हो सकता है उसमें भी बेबीज निकले, पता नहीं कंफर्म क्या है। बाकी पूरे अंडे जो है ख़राब हो चुके हैं, टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4। कि एक खुशी होती है कि इस तरह की सब चीज़ें देखें, टर्टल्स हैच होना, फिशर्स, रैबिट्स, जो भी है ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही एक एनकरेज करता है हॉबी को, और बहुत ही खुश हूँ आज। मैं क्या बताऊँ, पिछली बार 19x10 टर्टल्स थे तो आपको बताया, अभी मेरे पास फिलहाल 8 बचे हुए हैं और अभी ये भी आने वाले हैं, 5 या 4, पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक आया हुआ है, तो एक के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ये आइडिया आपको कैसा लगा और इसके बारे में जो भी कहना चाहते हैं ज़रूर बताना। तो पहली बार हमने हमारे चैनल पे दिखाया कि टर्टल्स विद एक्स इंडिया में, कि हमारे चैनल पे दिखाया कि एक्स के बाहर कैसा निकल रहे हैं और एक्स का जो उनका प्रोसेस होता है पूरा दिखाने की कोशिश की, हर मोमेंट हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं एक नेचुरल थिंग कैसा ये बनती है टर्टल की। तो आई होप आपको मैं पूरा प्रेजेंट कर पाया, स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग बेबी से लेकर पेरेंट्स, पेरेंट्स से लेकर उसके पेरेंट्स के बच्चे और बच्चे से वो कैसे हैच होते हैं, सारा जो है मैं आपको कैप्चर करने की दिखाने की कोशिश की हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो आई होप आप हमारे सब्सक्राइबर्स सबको, आप सबको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस वीडियो को वायरल करना ताकि सबको समझ आए कि सबको आइडिया मिले कि कैसे हैच करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट टू ऑल। ओके बाय, नमस्ते।